लिखा है कवियों ने आगे, जिस समय राजा जनक जी की लड़की सीता स्वयंवर श्री राम विभाए, किस प्रकार से हुआ है। सोरे दे माता शारदा गोरा तू दे ज्ञान, अरे बजरंगी भुजा बिराजियो सो कलम समारो। गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु और गुरूर ही देवी महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मयी श्री गुरुवे नमः। गुरु महिमा सबसे बड़ी है और गुरु से बढ़ाना ज्ञान, गुरु महिमा के सामने सुझुक जाते भगवान। गुरु गोविंद दोई खड़े और किन के लागो पाए, बलिहारी उन गुरन खां जो स्वर्ग भेजे बाल। और भैया आप शांति रखें, देखो ख्याल बढ़िया फर्स्ट क्लास ख्याल गाऊंगा। अब लोकगीत तो राई नहीं गाता हूं क्योंकि आप लोग बुजुर्ग हो, आपकी भी कहीं करना चाहिए वो पार्टी के सदस्यों में, जो भी गलती हो जाए तो क्षमा करें। राम सिंह पाल रंगीला के माध्यम से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर प्रोग्राम मेरा देखिए आप, हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन बताया है दो शब्द में माँ को सुमरना जरूरी है क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है। आरी हम दरअसल के आए ओ हम दरअसल का मैया आए कि बरिया मैया Thank you.
और क्या कहते हैं, माई की द्वारे एक मैया के द्वारे, हेलो हाँ श्रीमान जी आदरणीय मान भाव, हमारे मेहमान साहब बाबूलाल बजोरा वाले मेहमान साहब 101 रुपए का दान करते हैं। मेरी पार्टी की ओर से आपको बार बार अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। भगवान भोले बाबा का सदा आशीर्वाद आपके सर पर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहते मैया से दूसरे शब्द में, ए ढोलक मास्टर हाँ श्रीमान जी दूल्हा राजा के बहनोई साहब समराई वाले और जाने फरमाइश का बताई भैया डिमराई और उनकी फरमाइश है मेला में ढमरिया मौज करे, बहुत बहुत स्वागत। कवि ने बताया है जिस समय श्री राम राजा जनक की नगरी में ब्याहने के लिए आते हैं तो क्या होता है आगे, आरी बोले जनक जो तोड़े धनुष खा, अरे ब्याहे जाने की करके साल भैया धरो सरासन,
अबे धरो सरासन, ए जी सभा में अरी को तोड़े रे सो जी को और दूल्हा राजा जान का समय लंबा हमारा चेला बिल्कुल सुना है हम ना सुना है क्योंकि पुराना लगे। आज मेरी छवि पार्टी के मध्यम से हमारे चार बुजुर्ग का मान सम्मान मेरे अंदर है। और हमारे कुंवर लाल जी बरसरी वाले मेहमान साहब 21 रुपए का दान प्रदान करते मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे मेहमान साहब कह रहे राजा भरतरी थोड़ी दोस्त छंदे राम जी का विवाह जरूर, इसके बाद आपकी पूरी। राजा भरतरी का ख्याल बहुत बुलंद है, जो वास्तव में श्रोता होते हैं वही उस बात को विवेक करते हैं। आरी बोले जनक जो तोड़े धनो से खा और ब्याहे जाने की करके साल और धरो सरासन भैया धरो सरासन, ये जी सभा में अरे को तोड़े सो जी को उसी समय राजा जनक जी आपको धुबियाओ कचियाओ के माध्यम से ख्याल अरी देश देश खा चिट्ठियां भेजी राजा जनक जी अपनी बच्ची सीता की शादी देश देश का चिट्ठियां भेजी ऋषि मुनि द्वारे आए धनुष यज्ञ की लीला देखन राम लखन दोनों आए
देश के जोरे महीसर जनक भूप ने बलवाए तोड़नाए। अरे धनुष का तोड़ नहीं कोई पाए। आई अरे धनुष का तोड़ नहीं कोई पाए। तो राजा जनक जी क्या कहते हैं? अरे वीर बचू ना आज धरनी में, अरे इसका मुझे मिल गया प्रमाण। अरे धरो सरासन ये जी सभा में को तोड़े सो जी कबार। अरे धनुष खां तोड़ नहीं कोई पाए। तो क्या होता है? राजा जनक जी क्या कहते हैं? अरे थके भूप जब टूटे रे धनुष ना, के भूप जब टूटे धनुष ना, राजा जनक जी बोल उठे है नहीं कोई आज सभा में देख ले हम बड़े बड़े। राजा जनक जी बोले वो से, राजा बोले वो थे है नहीं कोई आज सभा में। हाँ आज सभा में देख लाए हम बड़े बड़े है नहीं कोई सभाए में देख लाए हम। एक दो तीन चार पांच छह सात है नहीं कोई आज सभा में
हजारों की सेना यहाँ पर खड़ी है, लेकिन एक धनुष तोड़ने वाला कोई दुर्योधन नहीं है। राजा जनक जी ऐसे ही प्रकार से कहने लगे। तब वहां पर राम लक्ष्मण खड़े थे, तो क्या होता है, आरी थके भूप जब टूटे धनुष ना, राजा जनक जी बोले उठे, है नहीं कोई आज सभा में देख ले हम, बड़े बड़े रामचंद्र ने उठा धनुष खा, तीन टूक धरनी में करे क्रोध तो हो गए भरी सभा में, परशुराम जी आन खड़े। परशुराम महाराज क्या कहते हैं, अरे किसने तोड़ा धनुष ये शोका, अरे मैं ले ले हो उनके प्राण, परशुराम के बैन सुने से तब लक्ष्मण बोले बानी, धनुष तोड़े श्री राम ने सो सीर जग की जानी। संसार सागर है, भगवान श्री राम उन्हीं ने धनुष तोड़ा है, आप क्यों इतने परेशान हो, क्यों नाराज हो। परशुराम के बैन सुने से फिर लक्ष्मण बोले बानी, धनुष तोड़े श्री राम ने सो सिर जगे की जानी है, अरे क्यों गुस्सा ये ताने में आई भैया, क्यों गुस्सा ये तन में आई, पता दे हम खा ज्ञानी, सुन के बानी रंग भूप की जनक नंदनी मस्कानी,
लेकिन जिस समय भगवान पर जयमाला डलती है तो क्या होता है? अरे राम दूला बने ये राम दूला बने आरी दोले हाले बानी मैया जानकी समय राजा जनक अपनी लड़की सीता को श्री राम के शरणों में कर देते हैं तो क्या होता है? क्या कहने लगे? बिटिया ताई ओ तो बिटिया ताई ओ तो काले दियो राम गरीबी ऐसी कहते कभी का सुख भय बिटिया के लाने हुन्ना प्यारे फटे पुराने कभौना कई मो खाने जाने कभौना कई मो खाने जाने का
सुख भय बिटिया के लाले मुन्ना पैर फट पुराने अपना कई मौका न जाने कहो को भैया का सुख भय बिटिया के लाले मुन्ना पैर फटे पुराने कभौ ना कई मौका न जाने कभौ ना कई मो खाने जाने तुम भूखे करत रही सब रोका में गरीबी में